हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने विद्युत धारा यूनिट में कई सारी चीज़ों को कवर कर लिया था। जैसे विद्युत धारा कवर की थी, ओम का नियम पढ़ा था, प्रतिरोधकता पढ़ी थी, ताप पर निर्भरता प्रतिरोध की पढ़ी थी, प्रतिरोधों का संयोजन भी पढ़ा था, हम लोगों ने सारी बातें पढ़ ली थी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि सेल क्या होते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध को हम कैसे ज्ञात करते हैं। आगे देखेंगे कुछ उपकरण हैं जिनको पढ़ना हमें किरचाफ के नियम पढ़ने, किरचाफ के नियम के अनुप्रयोग जब पढ़ेंगे, विभवमापी पढ़ना है, विभवमापी के अनुप्रयोग पढ़ने हैं, व्हीटस्टोन सेतु पढ़ना है, मीटर ब्रिज पढ़ना है, मीटर सेतु पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या होता है कि वैद्युत सेल जो युक्ति होती है वो क्या होती है और वो विद्युत धारा का संचरण कैसे करवाती, विद्युत धारा कैसे परिपथ में प्रवाहित करती है, इनके बारे में बात करते हैं। तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति या प्रबंध होता है जो वैद्युत ऊर्जा, किसी एक प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, जिसके फलस्वरूप किसी विद्युत परिपथ में आवेश का प्रवाह सतत बना रहता है। यह सतत कैसे बना रहता है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होती, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हम लोगों ने देखा था विभवांतर की आवश्यकता होती है, क्योंकि विभवांतर जब लगाते हैं किसी चालक के सिरों पर तभी धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होती है, क्योंकि दोनों सिरों के बीच में कुछ विभव का अंतर बनता है जो उसके ऊपर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो चालक में उपस्थित होते हैं उन पर बल लगाता है। ठीक है, दोनों सिरों के बीच एक नियत विभवांतर स्थापित करता है और इस विभवांतर के कारण चालक में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अगर बात किया जाए कि जो सेल होते हैं वो सेल कितने तरह के होते हैं, तो सेल यहां पर हम लिखेंगे, तो पहला सेल है वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, रासायनिक सेल। इस वैद्युत रासायनिक सेल में बात किया जाए कि ये किस प्रकार की ऊर्जा को किस में बदलते हैं, तो रासायनिक सेल जो होते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, ये रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है वैद्युत रासायनिक सेलों के द्वारा। वैद्युत रासायनिक सेलों के बारे में बात करें तो दो तरह के सेल होते हैं। पहले होते हैं, ए नंबर डाल के लिखना चाहें इसको हम नंबर वन डाल देते हैं, उसका ए पार्ट है। पहले होते हैं प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, जिनको हम प्राइमरी सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल के बारे में अगर बात करें तो प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनमें होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कैसी होती है, रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया अगर अनुत्क्रमणीय होगी, तो एक बार अगर पदार्थों ने आपस में क्रिया करके कुछ ऊर्जा बनाई, वो ऊर्जा दोबारा से उत्पन्न नहीं की जा सकती है, इसलिए इनको हम प्राथमिक सेल कहा जाता है, मतलब इनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, तो इनको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते, तो इनका पुनः आवेशन संभव नहीं है, पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो ये हो गए प्राथमिक सेल के बारे में। प्राथमिक सेल के अगर उदाहरण कोई पूछता है कि क्या क्या है उदाहरण, तो हम उदाहरण लिख देते हैं एग्जाम्पल, जैसे लैक्लांसे सेल, लैक्लांसे सेल, डेनियल सेल हो गया, डेनियल सेल, डेनियल सेल, और होता है ड्राई सेल, शुष्क सेल कहा जाता है। ये कैसे होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। प्राथमिक सेलों में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो अनुत्क्रमणीय होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं, एक बार हो गई तो उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। उसके उदाहरण है लैक्लांसे सेल, डेनियल सेल और शुष्क सेल। बात की जाए प्राथमिक सेल के अलावा कौन सा सेल होता है, तो एक दूसरा सेल होता है, बी पॉइंट लिखते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं, इन सेकेंडरी सेल। तो द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, इनमें जो होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं, इसमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, उत्क्रमणीय होती हैं, उत्क्रमणीय होती हैं। और उत्क्रमणीय होती है मतलब उनको दोबारा से रिवर्स कराया जा सकता है, उत्क्रमणीय होने का मतलब उन्हें दोबारा से, जिसमें पहले रासायनिक पदार्थ थे उनमें दोबारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो ये पुनः आवेशित किए जा सकते हैं,
इनका हम पुनः आवेशन करवा सकते हैं, तो पुनः आवेशित किए जा सकते हैं, ये पुनः आवेशित किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, ये पुनः आवेशित किए जा सकते हैं। अगर इनके उदाहरण के बारे में बात करें तो मुख्य दो सेल आते हैं, एग्जाम्पल हैं किसके हैं ये, तो द्वितीयक सेल के उदाहरण है ये। इनके उदाहरण में बात करें तो सबसे पहला होता है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल के बारे में बात की जाए तो अभी डिटेल में तो बात पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम कुछ इसके फीचर्स बता देते हैं कि इसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो लिखा जाता है 2.2 वोल्ट, ठीक है। और इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, जिसको हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, देखेंगे क्या होता है आगे, वो होता है 0.01 ओम, ठीक है, 0.01 ओम होता है। दूसरा उदाहरण होता है एडिसन का, एडिसन का क्षारीय संचायक सेल, संचायक सेल। एडिसन का क्षारीय संचायक सेल में अगर देखें इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है निकिल आयरन सेल, निकिल आयरन सेल भी इसे कहा जाता है। इसके विद्युत वाहक बल के बारे में बात करें तो कितना होता है, तो इसका विद्युत वाहक बल जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है 1.35 वोल्ट, ठीक है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है वो 0.1 ओम होता है। तो ये होता है सेल, सेल में पहला जो वर्गीकरण हो गया वैद्युत रासायनिक सेल हो गए। वैद्युत रासायनिक सेल दो तरह के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक जिनको आवेशित किया जा सकता, होने वाले विक्रियाएं जो उनमें होती हैं, मतलब प्राथमिक जिनको दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, उनमें होने वाली अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं। द्वितीयक सेल जिनको दोबारा आवेशित किया जा सकता है, मतलब उनमें होने वाली अभिक्रियाएं जो होती हैं उत्क्रमणीय होती हैं। उदाहरण सीसा संचायक सेल और एडिसन का क्षारीय संचायक सेल होते हैं, या आयरन, ये निकिल आयरन सेल भी इसे कहा जाता है। इनके विद्युत वाहक बल और इनके आंतरिक प्रतिरोध दिए गए। आगे अगर बात की जाए कि दूसरे क्या होते हैं, यहां पर बात करें, दो पॉइंट तो हमने लिख लिया। अगर एक नंबर पर लिखा है वैद्युत रासायनिक सेल, दूसरे नंबर पर हम यहां पर लिखते हैं, तो यहां लिख देते हैं ताप युग्म सेल, ताप युग्म सेल। ताप युग्म सेल क्या होते हैं, तो ताप युग्म सेल ऐसे सेल होते हैं जो थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा को, ऊष्मीय ऊर्जा को, ऊष्मीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं, तो ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बात करें अगले नंबर पर, तो कुछ सेल होते हैं, तीसरा पॉइंट हम लिख देते हैं, तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में अगर हम लिखें तो यहां लिखा जा सकता है सौर सेल के बारे में। सौर सेल, सौर सेल क्या होते हैं, तो ये विकिरण ऊर्जा, जो प्रकाश की विकिरण ऊर्जा होती है, प्रकाश, प्रकाश विकिरण ऊर्जा को, ये प्रकाश विकिरण है, विकिरण है, इसकी ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं ये विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। कुछ और ऐसे ही बातें करें फोर्थ पॉइंट के बारे में, परमाणवीय सेल, परमाणवीय सेल, परमाणवीय सेल के बारे में बात करें, तो जो न्यूक्लियर सेल होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, नाभिकीय ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा को किस में परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यहां पर लिखना चाहें तो एक बात और लिख सकते हैं फिफ्थ पॉइंट डाल करके, जनरेटर के बारे में, जिसको हम कहते हैं जनित्र, एसी में आगे हम इसे पढ़ेंगे। जनित्र क्या करता है, जनित्र करता है मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, यांत्रिक ऊर्जा, इसको परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। इस तरह से काफी सारे सेल होते हैं जिनके बारे में अलग अलग बातें हैं, अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं को ये विद्युत ऊर्जाओं में परिवर्तित करते हैं। कुछ एग्जांपल हैं जो याद रख सकते हैं, बेसिकली हमें ये याद रखने थे यहां जो लिखे गए कि प्राथमिक और द्वितीयक सेल क्या होते हैं, उनको कैसे आवेशित किया जाता है। बात किया जाए कि यहां जो लिखा है ये नियत विभवांतर बनाए रखते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं, उसके लिए यहां पर हमने एक फिगर बनाया है। वो फिगर क्या है, ये सीसा संचायक सेल का फिगर है। सीसा संचायक सेल में बात किया जाए तो एक प्लेट होती है लेड डाइऑक्साइड की, दूसरी लेड की प्लेट होती है। अब इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य भरा जाता है, अगर विद्युत अपघट्य के बारे में बात करें तो इसमें जो विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघट्य,
अपघट्य, विद्युत अपघट्य में H2SO4 भरा जाता है, ठीक है, H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 होता है। तो अगर इसके विलयन में देखा जाए, जो भरा हुआ ही डाइल्यूट H2SO4 है, तो H2SO4 में यहां पर अगर देखें तो 2H+ रहेगा, इसको हम इस दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ये 2H+ यहां पर जाएगा विलयन में और SO4 2- जाएगा विलयन में, विलयन में जब ऐसा होगा तो क्या होता है, जो 2H+ है ये जाता है इस प्लेट पर, ये इस प्लेट पर पहुंचता है। तो जब ये इस प्लेट पर पहुंचेगा तो अपने दोनों पॉजिटिव चार्ज इसे डोनेट करता है और नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन के रूप में मुक्त हो जाता है। तो अब अगर यहां से नवजात हाइड्रोजन हमें मिल रहा है, यहां पर देखें इसके रिएक्शन के बारे में, तो हमारे पास है PbO2 की प्लेट, यहां पर हमें दो नवजात हाइड्रोजन मिल गए, तो ये बनाते हैं PbO बन गया प्लस साथ में यहां बन जाएगा H2O, ठीक है, ये ऐसा हुआ। तो इसने क्या किया, H+ को जाकर के यहां डोनेट कर दिया। अब क्या होगा, जितने भी H+ होंगे वो सब जाकर के इस पर डोनेट होना शुरू होंगे, आगे देखेंगे अभी, और ये SO4 2- जो है उस प्लेट पर जाएगा। तो यहां पर PB जो है O और यहां पर H2SO4 से रिएक्शन करेगा, जो PbO बना है ये H2SO4 से रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा PbSO4, साथ में क्या बनेगा, तो साथ में यहां बनेगा H2O बनेगा। अगर इसकी नेट रिएक्शन को लिखा जाए तो क्या रिएक्शन होने वाली है, यहां बनेगा PbO2 प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन, दो नवजात हाइड्रोजन, और यहां पर H2SO4 है, आपस में रिएक्शन होगी, PbO तो कैंसिल हो गए, यहां पर बनेगा PbSO4 साथ में बनेगा 2H2O, ये रिएक्शन हो रही है यहां पर। अब हम ये देखना चाहते हैं कि विभवांतर ही उत्पन्न कैसे करता है सेल। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो H+ है इस पर जा रहे हैं, तो H+ जैसे जैसे इसके ऊपर जाएंगे तो H+ के नंबर बढ़ते जाएंगे, यहां पर नंबर बढ़ते जाएंगे, जितने ज्यादा H+ जाएंगे ये पॉजिटिव प्लेट बनती जाएगी, और इधर SO4 जाएंगे तो इसकी वजह से यहां पर निगेटिव प्लेट बनती जाएगी, यहां पर ये निगेटिव प्लेट बनती जाएगी, ये निगेटिव प्लेट बनती जाएगी और ये पूरी प्लेट निगेटिव हो जाएगी, ये पूरी प्लेट निगेटिव हो जाएगी। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, निगेटिव प्लेट हो गई है, तो जब पूरी प्लेट आवेशित हो जाएगी तो अब दोबारा से जो हाइड्रोजन आयन इसके पास जाने की कोशिश करेंगे इस प्लेट के पास, तो इस पर धनावेश, इन पर भी धनावेश है, तो ये प्रतिकर्षण होगा, तो अब ये H+ यहां जाना बंद कर देंगे, ठीक है, तो ये फुल चार्ज हो जाएगा उस समय पर। यहां पर इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल बन रहे हैं, धन और ऋण दो टर्मिनल अलग अलग बन रहे हैं, तो इनके बीच में एक नियत विभवांतर स्थापित होता है, एक नियत विभवांतर स्थापित होता है, जिसको हम यहां पर आगे देखेंगे कि हम V से डिनोट करते हैं, जो हम लोग लिखते हैं V, आगे देखेंगे टर्मिनल विभवांतर होता है। कुछ नुकसान यहां भी होता है, जब आयन चल रहे होंगे, आयन चलेंगे तो आयन आपस में टकराएंगे एक दूसरे के साथ, जैसे हमने देखा था चालक के अंदर जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते थे तो अपने धनायनों और दूसरे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ टकराते रहते थे, जिसकी वजह से वहां पर प्रतिरोध उत्पन्न होता था या I²R का नुकसान हुआ करता था, जो प्रतिरोध होता था। यहां पर भी है, सेल के अंदर जो आयन चल रहे होंगे विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ, तो जो विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ आयन चलेंगे उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल तो लगेगा ही, जब ये इस पर ज्यादा प्लस होगा तो ये जो H+ आयन है यहां पर, ये इससे प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे, SO4 आयन इस माइनस प्लेट से प्रतिकर्षण अनुभव करेंगे, तो अब ये यहां पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वहां पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर जब ऐसा हुआ तो इसने क्या किया, अपने दोनों सिरों के ऊपर विभवांतर को क्या कर लिया, मेंटेन कर लिया, तो एक पर्टिकुलर विभव, एक नियत विभवांतर स्थापित होता है किसी सेल की दो प्लेटों के बीच इस प्रकार से, और उसके अंदर जो सेल रिएक्शन होती है इस तरह से सेल रिएक्शन होती है। तो ये थे सेल और सेल के अंदर की बातें, अगर इसके बारे में डिटेल है तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, विद्युत रसायन में वहां पर है। यहां पर हम लोगों को ये देखना था कि जो नियत विभवांतर उत्पन्न होता है, ये नियत विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। लेकिन जो ये नियत विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट है, अगर इसे बाहर किसी परिपथ से जोड़ दिया जाए, मान लेते हैं इसे बाहर किसी प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया गया, ये प्रतिरोध R था, प्रतिरोध R के साथ मान लेते हैं इसे जोड़ दिया गया, तो जब प्रतिरोध R के साथ जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा,
ये धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है। तो धन प्लेट और ऋण प्लेट में क्या होगा, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की इधर अधिकता है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे, प्लस माइनस क्या होगा, तो इधर क्या होगा, ऋण की कमी होगी, इधर धन की कमी होने लगेगी। तो जैसे यहां से धारा प्रवाह शुरू होगा बाहर परिपथ में, बाह्य परिपथ में जैसे धारा प्रवाह शुरू होगा, इसमें धन की कमी होने लगेगी, इधर ऋणावेश की कमी होने लगेगी। तो दोबारा से क्या होगा, जो ये H प्लस हैं वो इस सतह पर जाने लगेंगे और SO4 इस सतह पर जाने लगेंगे, या यू कह लेते हैं कि जो SO4 होगा वो इस इलेक्ट्रोड पर जाने लगेगा। ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, इसके अंदर जो भरा वो विद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से सेल चार्ज और डिस्चार्ज होता है। उम्मीद है समझ में आई होंगी चीजें। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो ये चल रहे हैं, ये जो विपरीत आयन चल रहे हैं, जैसे H+ के बारे में बात की जाए, SO4 2- के बारे में बात की जाए, ये आयन चल रहे होंगे तो लगातार क्या होंगे, अपने समान आयनों या अपने विपरीत आयनों से टकराएंगे। टकराने की वजह से, जैसे यहां पर एक कंडक्टर है, ये कोई चालक है, चालक में हमने देखा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो चालक में अगर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इन पर विभवांतर आरोपित किया गया है, और विभवांतर आरोपित करने का मतलब है यहाँ पर इसे बैटरी के साथ जोड़ा गया है, तो ये लगातार चलते थे, इधर इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस दिशा में उत्पन्न होगा, इस दिशा में, तो इन पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा क्योंकि ऋणावेश होते हैं, वो बल ऐसे लगता है, वो हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, स्थिर वैद्युतिकी वहां पर पढ़ा था। दो यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं, तीसरी यूनिट ये चल रही है। ठीक है, अब अगर देखें तो इन पर जो बल लग रहा है तो लगातार ये क्या करेंगे, अपने धन आयनों से भी टकराएंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ ऊष्मीय ऊर्जा निकलेगी, उस ऊष्मीय ऊर्जा को हम प्रतिरोध का नाम देते थे कि हाँ, ये प्रतिरोध की वजह से जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसमें ऊर्जा क्षय हो रही है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो सेल का घोल होता है, ये जो सेल का घोल है, सेल के अंदर जब चल रहे होंगे विपरीत आयन, दूसरे विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ, आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ चल रहे होंगे, तो आपस में क्या करेंगे, टक्करें होंगी उनकी, और उन टक्करों की वजह से जैसे प्रतिरोध में कुछ ऊर्जा क्षय होती, उसी तरह सेल के अंदर कुछ ऊर्जा, सेल के अंदर कुछ ऊर्जा क्षय होता है, और सेल के अंदर जो ये ऊर्जा क्षय होता है, इसके वजह से जो यहां पर अवरोध लग रहा था, अवरोध, इस अवरोध की वजह से ऊर्जा क्षय हुआ, इस अवरोध को ही कहा जाता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध। यहां पर एक बात और लिख देते हैं नोट डाल के, कंफ्यूजन ना हो, सेलों का संयोजन बैटरी कहलाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, मतलब सेल जब आपस में कंबाइन होते तो बैटरी बनती है। ठीक है, और इन जनरल जब बात कर रहे होते तो बैटरी के बारे में ही हम बात करते हैं। तो सेल क्या होता है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में देखें, तो सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थों द्वारा सेल के अंदर धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम, इसका प्रतीक क्या होता है, तो इसका प्रतीक होता है स्मॉल आर, या कुछ लोग इसे आर आई से लिखते हैं। आई यहां पर बताता है इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ये बात हम लोगों ने समझी। जैसे किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो लगातार अपने मुक्त इलेक्ट्रॉनों, जो अपने पास के मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे, या अपने धारायनों से टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके चलने में अवरोध उत्पन्न होता है, जिसको हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो सेल का घोल होता है विपरीत आयनों के, या जो आयन होते हैं उसमें विद्युत अपघट्य के, वो विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ गतिमान होते हैं, तो उनके गतिमान होने में भी अवरोध उत्पन्न होता है, या कह सकते हैं वो लगातार आयनों से अपने टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से कुछ अवरोध उत्पन्न होता है, जिसे हम सेल का क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध में कुछ क्षय होता है, जिस क्षय के बाद में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसको आगे देखेंगे, वो क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है।
तो ये हो गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध की डेफिनेशन, और इसको हमने अभी यहां पर समझ लिया कि ये क्या होता है। ठीक है, इधर समझ लिया कि कैसे होता है। ये हो गया टाइप्स ऑफ सेल, सेल कितने तरह के होते हैं। अब आगे हम बढ़ें कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो किन चीजों पर निर्भर करता है। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड के पदार्थ की प्रकृति और इनकी आयु पर निर्भर करता है। मतलब इलेक्ट्रोड की जो विद्युत अपघट्य है उनकी प्रकृति क्या है, मतलब उनमें जो आयन है वो कैसे आयन है, आयन बड़े आयन है या छोटे आयन है। छोटे आयन होंगे तो क्या होंगे, वो कम प्रतिरोध अनुभव करेंगे, आंतरिक प्रतिरोध है तो कम प्रतिरोध अनुभव करेंगे। बड़े होंगे तो लगातार दूसरों से टकराते रहेंगे तो ज्यादा प्रतिरोध अनुभव करेंगे। इलेक्ट्रोड के पदार्थ की प्रकृति वो इस पर निर्धारित करेगा कि किस इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन जाकर के जल्दी विसर्जित हो रहा है, किसको जल्दी विसर्जित करवा सकते हैं वो इलेक्ट्रोड। इनकी आयु पर भी निर्भर करता है, अर्थात आयु बढ़ने पर, सेल पुराने हो जाने पर आर का मान बढ़ जाता है। तो सेल जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाता है। सेल में दोनों प्लेटों के बीच जो दूरी होती है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जो सेल का प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध, वो दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, और जितना भाग इलेक्ट्रोड का डूबा हुआ होता है विद्युत अपघट्य के अंदर उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब सांद्रता के साथ में ये बढ़ता है। कैसे, अगर मान लो सांद्रता ज़्यादा होगी तो आयन ज़्यादा होंगे, ज़्यादा आयन होंगे तो ज़्यादा आयनों के गतिमान होने से ज़्यादा टक्करें होंगी तो वहाँ पर ऊर्जा क्षय ज़्यादा होगा, इसीलिए प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध का मान। विद्युत अपघट्य के ताप के बढ़ने पर इसकी श्यानता घट जाने के कारण आंतरिक प्रतिरोध घटता है। श्यानता मतलब गाढ़ापन होता है। ठीक है, क्लास 11th में पढ़ते हैं श्यानता क्या होती है। तो श्यानता घट जाने पर क्या होगा, उसका आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। श्यानता कम हो जाएगी तो उसमें नंबर ऑफ आयन जो होंगे, आयनों की संख्या होगी वो कम हो जाएगी, घोल पतला हो जाएगा, तो आसानी से आयन एक जगह से दूसरी जगह गतिमान हो पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। तो ये था आंतरिक प्रतिरोध, और आंतरिक प्रतिरोध किन चीज़ों पर निर्भर करता है वो ये पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट जिनके बारे में हम लोगों ने बात की अभी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसको ऐसे परिभाषित किया जाता है कि 1 कूलम आवेश को सेल सहित पूरे बाह्य परिपथ में प्रवाहित करने में। जैसे मान लेते हैं कि एक बैटरी है, सेल ले लेते हैं, मान लो यहाँ पर हम लोगों ने एक सेल लिया, ये सेल है। सेल का ऐसा नोटेशन होता है, एक को प्लस और एक को माइनस से लिखा जाता है। तो ये प्लस वाला टर्मिनल, ये माइनस टर्मिनल है, विभव का अंतर दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। तो ये हो गया एक सेल हमारे पास। इस सेल को बाहर एक परिपथ से जोड़ दिया गया, उस परिपथ में एक प्रतिरोध लगा है स्मॉल आर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखी जाती है कि एकांक, यहाँ पर अगर हम क्यों आवेश इसमें पूरे में प्रवाहित करते हैं, तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ, जो बाह्य परिपथ कंप्लीट है उस पूरे परिपथ में प्रवाहित होने के लिए जो सेल द्वारा काम किया जाता है, जो किया गया कार्य होता है सेल का, उसे हम उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसका फार्मूला लिखें, सेल का विद्युत वाहक बल, याद रखेंगे विद्युत वाहक बल किया गया काम या फिर ऊर्जा है, ये बल नहीं है। ठीक है, इसे शॉर्टकट में ईएमएफ भी कहा जाता है, ईएमएफ भी कहते हैं हम इसे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका नोटेशन होता है ई, और अगर हम इसे लिखें तो इसे लिखा जा सकता है डब्ल्यू डिवाइडेड बाई क्यू, ये ऐसा होता है। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल सेल द्वारा किए गए कार्य तथा प्रवाहित आवेश के अनुपात के बराबर होता है। या अगर हम क्यू को 1 कूलाम कर देते हैं सपोज, तो क्यू की वैल्यू अगर 1 कूलाम कर दी जाए तो ई बराबर डब्ल्यू होगा। तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा किया गया जो कार्य होता है उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये सेल का विद्युत वाहक बल हो गया। ठीक है, ये डेफिनेशन कंप्लीट हुई। आगे बात की जाए, यहाँ पर अगर देखेंगे विभिन्न सूत्र देखेंगे तो विद्युत वाहक बल जानते हैं W डिवाइडेड बाई क्यू है, वोल्ट आएगा, और वोल्ट में अगर लिखेंगे, यहाँ यूनिट लिखना चाहें तो लिख देते हैं यूनिट, इसकी जो यूनिट निकल के आएगी, यूनिट जो इसका मात्रक निकल के आएगा वो वोल्ट निकल के आएगा, या फिर कह सकते हैं ये हो जाएगा जूल, यहाँ पर हो जाएगा ये कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम को ही तो हम वोल्ट कहते हैं, तो वोल्ट होता है। जैसे विभवांतर का होता है वैसे ये है। ठीक, ये बल नहीं है, किया गया कार्य होता है एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, और ये कह सकते हैं एक तरह की ऊर्जा है। आगे बात करें कि सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। तो हमने अभी पढ़ा सेल का विद्युत वाहक बल,
ठीक है, जिसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। तो सेल का टर्मिनल विभवांतर इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि अगर कोई सेल है, यहां बना देते हैं एक सेल जो अभी हमने बनाया था, ये एक सेल है, इस सेल में दो इलेक्ट्रोड लगा दिए गए, ये दो इलेक्ट्रोड है, धातु के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, ये धातु के इलेक्ट्रोड हो गए। इसके अंदर क्या है, मान लेते हैं इसके अंदर भर दिया गया है विद्युत अपघट्य, ये विद्युत अपघट्य भरा गया खूब सारा, यहां तक विद्युत अपघट्य इसमें भर दिया गया, ये विद्युत अपघट्य है, ऐसा हो गया। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड हो गए, ये विद्युत अपघट्य हो गया। मान लेते हैं कि ये प्लेट पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, और इधर वाले जो प्लेट है वो निगेटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट है। अब अगर इसके इलेक्ट्रोडों को बाह्य परिपथ से जोड़ा जाए, जैसा अभी जोड़े थे हम लोग, आर प्रतिरोध से जोड़ दिया हमने इसे, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलना शुरू करेंगे, तो धारा जो होगी वो धन से प्रवाहित होना शुरू होगी, इधर से इधर की तरफ जाएगी। अब एक बात यहां से देखते हैं कि जब ये धारा प्रवाह शुरू होगा, धारा प्रवाह जब शुरू होगा, तो यहां पर हमने अभी देखा था, जैसे ये मान लेते हैं इसमें H2SO4 भरा है, तो यहां पर H+ जा रहा होगा और यहां पर जा रहा होगा SO4 2-, ये जा रहे होंगे। तो जब ये पूरा आवेशित हो चुका है, तो इसने H+ को प्रतिकर्षित करना शुरू कर दिया, H+ मतलब यहाँ नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे बाह्य परिपथ में प्रतिरोध को जोड़ा हमने, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना इधर की तरफ शुरू हुए और धारा प्रवाह शुरू हो गया। अब जब धारा प्रवाह शुरू हो गया है, तो एक बात ये देख सकते हैं कि इस H+ के यहाँ जाने, मतलब ये H+ जाकर यहाँ जाकर के विसर्जित होगा, तो H+ अगर यहाँ पर जाकर के विसर्जित होगा, SO4 इधर जा रहा होगा, तो लगातार ऐसा होने से, तो विसर्जन मतलब क्या है कि ये जो H+ है यहाँ जाएगा, SO4 यहाँ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी सांद्रता कम होती जाएगी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से देखें, जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के गतिमान होने की वजह से जो सेल के अंदर आयन चल रहे होंगे, उनकी आपस में टक्करें होंगी, तो कुछ ऊर्जा जो होगी वो नष्ट हो जाएगी आंतरिक प्रतिरोध के कारण। तो अगर कुछ ऊर्जा आंतरिक प्रतिरोध के कारण नष्ट हो जाएगी, तो हम उसे ऐसे कहते हैं कि जो सेल का टर्मिनल विभवांतर होता है, टर्मिनल विभवांतर को हम वी से लिखते हैं, वी से लिखा जाता है, और ये होता है सेल का विद्युत वाहक बल माइनस कुछ विभव पतन। अब ये जो विभव पतन लिखा है V1 हमने, तो ये क्या है, ये है आंतरिक प्रतिरोध में विभव पतन, आंतरिक प्रतिरोध में विभव पतन वोल्टेज का ड्रॉप होता है आंतरिक प्रतिरोध के अंदर। तो इस तरह से सेल का टर्मिनल विभवांतर परिभाषित होता है। इसका मतलब क्या है, ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर सेल के दोनों टर्मिनल को ओपन रखा जाए मतलब खुला परिपथ हो, तो उस समय जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो टर्मिनल विभवांतर के बराबर निकल के आता है, क्योंकि यहां पर जो क्षय होगा, हमने पढ़ा आंतरिक प्रतिरोध है, मान लेते हैं आई धारा प्रवाहित हो रही है, आर है इसका आंतरिक प्रतिरोध, तो इतना क्षय होगा। तो जब धारा प्रवाह होगा ही नहीं, ओपन सर्किट होगा, खुला परिपथ होगा, धारा प्रवाह नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ई और वी बराबर हो जाएंगे, मतलब विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। तो यूं कह सकते हैं कि सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, यदि परिपथ में धारा प्रवाह ना हो रहा हो या खुला परिपथ हो, ठीक है। या फिर कह सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध में विभव पतन के पश्चात सेल के सिरों के बीच जो प्रचालन विभवांतर होता है उसी को कहा जाता है टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, इन दोनों में संबंध देखते हैं क्या होता है। तो अगर सेल के आंतरिक प्रतिरोध और इनमें संबंध स्थापित करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने परिपथ बनाया जिसमें ये प्रतिरोध है, ठीक है, यहाँ पर एक सेल लगा दिया गया, सेल का कुछ आंतरिक प्रतिरोध है, तो इस तरह से बना लेते हैं सेल के पास, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को सेल के पास बनाया जाता है, और इसे हम क्या कर देते हैं, एक बॉक्स में कर देते हैं बंद डॉटेड करके, कि हाँ ऐसा लगे कि जो ये प्रतिरोध है इस सेल का है। तो इसका विद्युत वाहक बल E है सपोज, और इसका प्रतिरोध R है, और जो बाह्य परिपथ में प्रतिरोध लगा है वो कैपिटल R है। अगर हम यहाँ से निकालना चाहें धारा का मान, तो धारा का मान कितना निकल के आएगा, I = लिखा जाए तो कितना लिखा जा सकता है, या ऐसे डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ से जब हम चलना शुरू करेंगे,
ये धारा प्रवाह इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से धारा प्रवाहित होगी। तो जब हम इधर से इधर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएंगे तो प्लस ई का गेन होगा, क्योंकि ये धारा दे रहा होगा तो उस समय प्लस ई, और इस वाले में देखेंगे तो माइनस आई आर का नुकसान होगा। और ये जब देखेंगे तो दोनों के बीच में ये बराबर रहना चाहिए, तो इसे हम वी के बराबर कर लेंगे, या ऐसे कह लेते हैं इसे। अगर ऐसे बात समझ में नहीं आती तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इसके सिरों के बीच में जो विभवांतर है, यहाँ R के सिरों के बीच में विभवांतर ये V है, ठीक है। इस V के बारे में बात करनी है हमें, तो यहाँ से कहेंगे E जो है उसमें से IR का नुकसान हो गया। ये क्या था? सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का EMF था। और ये क्या है? आंतरिक प्रतिरोध में विभव पतन, आंतरिक प्रतिरोध में विभव पतन, आंतरिक प्रतिरोध में विभव पतन, विभव पतन है ये। तो आंतरिक प्रतिरोध में विभव पतन होने के बाद जो विभव बचता उसी को कहा जाता है टर्मिनल विभवांतर। क्या है ये? टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर। तो ये संबंध होता है इनके बीच में, ठीक है। तो इस तरह से संबंध निकाला जा सकता है, या इस तरह से संबंध लिखा जाता है सेल के आंतरिक प्रतिरोध। यहां पर आंतरिक प्रतिरोध भी है, इसका विद्युत वाहक बल भी है और वोल्टेज भी है, ठीक। हम आगे बढ़ाते हैं, क्या बनने वाला है। तो हमने अभी देखा कि जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है E माइनस आई आर, वो टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है। अब की बार हमें लिखना क्या है? हमें लिखना है कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है उसे कैसे लिखा जा सकता है। तो पिछले वाले परिपथ से अगर हम धारा का मान लिखें, धारा का मान, तो हम जानते हैं धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल डिवाइडेड बाय टोटल प्रतिरोध, तो आर प्लस आर लिखा जा सकता है। होगा ऐसा? बिल्कुल होगा। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, और दूसरा एक फार्मूला देख रखा है हम लोगों ने कि जो V होता है वो किसके बराबर होता है? E माइनस I इंटू R के बराबर होता है, होता है। अब इसमें से निकालना चाहते हैं जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो कैसी आएंगी, तो यहाँ हो जाएगा V। अगर इसमें देखें तो यहाँ से देख सकते हैं धारा जो निकल के आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगा E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, कुल विद्युत वाहक बल बटे टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध लिखा जाता है। तो धारा हो गई और V बराबर E माइनस आई आर का प्रयोग किया हमने, तो अगर ये प्रयोग किया है तो यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा E माइनस I की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, तो वो आ जाएगा E डिवाइडेड बाई R प्लस R इंटू स्मॉल r बनेगा। अब क्या कर सकते हैं? तो यहाँ हो जाएगा V, E की वैल्यू कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बनेगा 1 माइनस स्मॉल r बटे r प्लस कैपिटल R, ऐसा बनने वाला है। तो ये ऐसा बन जाएगा। अब ये ध्यान रखेंगे कि जो ये वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कराया जाए इधर की तरफ, तो ये बन जाएगा r प्लस r माइनस r डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ऐसा बनेगा। ये हो जाएगा V। अब इसे हम सॉल्व करके लिखें तो क्या लिखेंगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू E, यहाँ पर हो जाएगा R से R कैंसिल होगा, कैपिटल R बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल R बनने वाला है, ठीक है। अब हम इसे लिख देते हैं R प्लस R बटा कैपिटल R, मतलब इसको उधर भेज दिया और इन दोनों को इधर ले आए। हमें क्या करना है? इसको बांट देना बराबर बराबर, तो R बटा R हो जाएगा 1, ये बनेगा स्मॉल R बटा कैपिटल R, ये बन जाएगा E बटा V। इस 1 को इधर भेज दो तो स्मॉल R बटा कैपिटल R की वैल्यू कितनी आएगी? E बाई V माइनस 1। तो हमारे पास स्मॉल R की वैल्यू कितनी आएगी? कैपिटल R को इधर भेज दो और इसको ब्रैकेट में लिख दो, तो E बटा V माइनस 1 होगा। तो ध्यान रखेंगे जब भी कभी फार्मूला यूज़ करना हो, हमें फार्मूला प्रयोग करना हो, तो हम कैपिटल स्मॉल r बराबर कैपिटल R इंटू विद्युत वाहक बल बटे टर्मिनल विभवांतर माइनस 1 लिखेंगे। आगे जब विभव मापी हम लोग पढ़ रहे होंगे तो इस फार्मूले का उपयोग हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। तो ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध का ई वी आर के पदों में निरूपण, तो इस तरह से निरूपित किया जा सकता है। इसके लिए हम लोगों ने जो परिपथ यूज़ किया है वो ये परिपथ है, हम चाहे तो दोबारा यहाँ बना सकते हैं। कुछ ऐसा है, ये सेल है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ऐसा, ये स्मॉल r, ये E है, ये R है, यहाँ पर हम लोगों ने I की वैल्यू लिखी E डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और दूसरा प्रयोग किया E माइनस जो आई आर होता है वो किसके बराबर होता है? V के बराबर होता है, ठीक है, इसी से हमने लिखा। ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
कि सेलों के संयोजन के बारे में। तो सेलों के संयोजन के बारे में सिलेबस में हमने अभी देखा कि श्रेणी क्रम और समांतर है, मिश्रित क्रम का संयोजन नहीं है हमारे में। तो सबसे पहला संयोजन हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन देखते हैं क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन, अगर श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बात की जाए तो श्रेणी क्रम में जो सेलें लगी होती हैं वो कैसी होंगी। मान लेते हैं सेल लगी है कुछ ऐसी है, ठीक है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है यहाँ, फिर दूसरी सेल लगी है, दूसरी सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, तीसरी सेल लगी है उसका आंतरिक प्रतिरोध है, इसी तरह से यहाँ पर n नंबर ऑफ सेलें लगी हैं उनके आंतरिक प्रतिरोध लगे हैं, यहाँ n सेल लिख देते हैं या n सेलें, और इनको जोड़ दिया गया किसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ। इनके टर्मिनल समान हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। तो इसे हम नाम दे देते हैं E, ये भी E है, ये भी E है, सबके विद्युत वाहक बल लगभग समान ही रख लेते हैं, देखेंगे असमान होंगे तो क्या होगा। ये है R, ये भी है R, ये R है, ये भी R है और ये कैपिटल R है। हमें इसमें देखना है कि इसका जो नेट विद्युत वाहक बल बनने वाला है वो कितना बनेगा। तो जो E बनेगा नेट विद्युत वाहक बल, उसे हम क्या लिखेंगे, ई सेम दिशा में है, देखो ये धन है, ये ऋण है, ये धन है, ये ऋण है, सब एक ही दिशा में है, धारा प्रवाह कर रहे हैं, सब जुड़ेंगे, तो इसे लिखेंगे ई प्लस ई कहाँ तक जोड़ना है, एन तक, एन पदों तक हमें इसे जोड़ना है, एन पदों तक। तो n पदों तक जोड़ेंगे, तो किसी संख्या को अगर n पदों तक जोड़ना हो तो उसका मान उसे n से गुणा करा के मिलता है, तो n e मिल जाएगा हमें। तो ये हो गया विद्युत वाहक बल। अब क्या करना, हमें प्रतिरोध चाहिए टोटल। तो अगर हम कुल प्रतिरोध लिखें, कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध जो भी कहें, यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध बराबर क्या होगा, तो जितने ये R हैं इन सबको हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू R, ये तो हो गया आंतरिक प्रतिरोध और उसके साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है कैपिटल R, तो ये हो गया कुल आंतरिक प्रतिरोध, मतलब कुल प्रतिरोध हो गया, आंतरिक प्रतिरोध तो आएगा एन आर। अब यहाँ से धारा लिखी जाए तो धारा क्या लिखी जा सकती है, धारा लिखी जाती है ई नेट, जो टोटल विद्युत वाहक बल होगा और डिवाइडेड बाय में होता है तुल्य प्रतिरोध, ऐसा ही लिखते हैं। तो अब अगर हम इसे लिखें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ई नेट कितना है, एन ई है, डिवाइडेड बाय में कितना यहाँ से आ जाएगा, तो एन आर प्लस कैपिटल आर आएगा। अगर हम एन से डिवाइड करवा दें तो आई की वैल्यू जो हमें मिलने वाली है वो मिलेगी ई डिवाइडेड बाय आर प्लस यहाँ पर आर बाई एन बनने वाला है, ये हमें मिलेगा। तो अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो उनका नेट विद्युत वाहक बल ऐसे लिखा जाता है और उनका आंतरिक प्रतिरोध इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अगर यही किस में जोड़े गए हों, समांतर क्रम में जोड़े गए हों, बी पॉइंट के बारे में बात करें कि ये समांतर क्रम में जुड़े हों, तो समांतर क्रम में संयोजन, तो समांतर क्रम संयोजन के बारे में बात करेंगे तो कैसे वो जुड़े होंगे सेल, तो सेल कुछ इस तरह से जुड़े होंगे, पहला सेल है इसका आंतरिक प्रतिरोध, दूसरा सेल है इसका आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल सेम रखे हैं हम लोगों ने अभी, इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया, इसी तरह से यहाँ पर n नंबर ऑफ सेल हैं, n सेलें हैं यहाँ पर, ऐसा मान लेते हैं n सेलें इसमें जोड़ी गई हैं। तो अगर n सेलें जोड़ी गई हैं और लास्ट में यहाँ पर एक प्रतिरोध जोड़ा गया है जो कैपिटल R है, हमें वही बताना है कि इसका तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा। सबके विद्युत वाहक बल लिख देते हैं E है, इसका विद्युत वाहक बल E है, सबके विद्युत वाहक बल E लिखे गए हैं, ठीक है। चाहें तो हम यहाँ पर एनवा सेल जोड़ लेते हैं या फिर इसे ऐसे रहने देते हैं। ये R हो गया, एक मिनट, ये वैल्यू है R, ये वैल्यू भी R, ये वैल्यू भी R है, मतलब कि N सेलें हैं जिनके विद्युत वाहक बल E हैं और उनके आंतरिक प्रतिरोध R हैं, उनको हम एक बाह्य प्रतिरोध R के साथ जोड़ रखा है, ठीक है, समांतर क्रम में। अब हमें बताना है कि इसका जो विद्युत वाहक बल बनेगा वो क्या होगा। तो इन सबके विद्युत वाहक बल E हैं, तो विद्युत वाहक बल जो नेट बनने वाला वो तो यही रहने वाला है, नेट जो विद्युत वाहक बल बनेगा ई ही रहेगा, क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान होता है, हम लोगों ने देखा था जब प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ रहे थे। अब दूसरी बात यहाँ से नजर आती है कि अगर हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना हो तो आंतरिक प्रतिरोध में सबसे पहले क्या है, यहाँ तक के जो सेल लगे हैं, ये सेल इनका आंतरिक प्रतिरोध निकालें, उनका तुल्य, तो आंतरिक प्रतिरोधों का जो तुल्य निकल के आएगा उसे लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट, आंतरिक प्रतिरोध का तुल्य 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R कहाँ तक जाएगा,
एन पदों तक, तो अगर एन पदों तक जाएगा तो एन से गुणा करा लो, तो वन बाई आर इक्वलेंट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा एन बटा आर। तो आर इक्वलेंट यहां से क्या लिखा जा सकता है, आर बाई एन लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। लेकिन अगर हमें तुल्य प्रतिरोध चाहिए परिपथ का, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध लिख लेते हैं, वो निकल के आएगा R इक्विवेलेंट में हम क्या जोड़ देंगे, कैपिटल R और जोड़ देंगे क्योंकि श्रेणी में आएगा ये फिर। तो ये हो जाएगा R बाई एन प्लस कैपिटल R। तो ये हो गया परिपथ का प्रतिरोध और ये हो गया तुल्य विद्युत वाहक बल। तो हम यहां से लिखें जो धारा होगी इस परिपथ में वो कितनी प्रवाहित हो रही होगी, R में धारा निकाली जा रही है, धारा किस में है, R में है। तो वो लिखा जाएगा ई नेट डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध। ई नेट कितना आएगा, तो ई नेट हमारे पास E ही है और R इक्विवेलेंट कितना बनेगा, तो यहां से लिख सकते हैं R बाई एन प्लस कैपिटल R। चाहे तो इसे क्या लिख सकते हैं, N ऊपर चला जाएगा और यहां पर कैपिटल R के साथ N की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये निकल के आएगा इस परिपथ में धारा। तो ये हो गया श्रेणी क्रम संयोजन और यहाँ हो गया समांतर क्रम संयोजन। ये सूत्र बदलते रहते हैं, एन की वैल्यू कम ज़्यादा होगी, कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा, तो उसके बिहाव पर, लेकिन फार्मूले यही निकल के आते हैं। ठीक है, अब आगे बात की जाए कि अगर असमान सेल जोड़े गए हों, असमान सेलों का क्या मतलब है, जैसे हम लोगों ने बात किया श्रेणी क्रम संयोजन में, बात करते हैं पहले श्रेणी क्रम में। असमान संयोजन का मतलब ये है जिनके विद्युत वाहक बल समान नहीं है और उनके आंतरिक प्रतिरोध भी समान है, उनको जोड़ दिया गया। तो अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा एक सेल जोड़ा गया आंतरिक प्रतिरोध है, दूसरा सेल ऐसे जोड़ा गया इसका आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है और इसे कैपिटल आर के साथ जोड़ दिया गया, केवल दो के लिए बात करते हैं हम इन जनरल, ये है आंतरिक, इसका विद्युत वाहक बल ई वन, ये ई टू है, आंतरिक प्रतिरोध आर वन है, ये आर टू है, ये कैपिटल आर है। अब अगर यहाँ पर कोई पूछता है कि ई नेट क्या होगा, तो ई नेट में क्या है, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों के देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जोड़ा गया है, तो यहाँ ई वन प्लस ई टू बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर धारा लिखी जाए तो धारा लिखी जाएगी कुल विद्युत वाहक बल, तो ई वन प्लस ई टू हो जाएगा डिवाइडेड बाई कुल प्रतिरोध, तो हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस बड़ा वाला आर। ठीक, लेकिन अगर ये सेल ऐसे लगे हों, श्रेणी क्रम के ही बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दूसरा सेल अगर ऐसे लगा हो कि ये है ऐसे, इसका आंतरिक प्रतिरोध दिया गया है, लेकिन ये सेल इस तरह से लगा है, अब इनको हम कैपिटल आर के साथ जोड़ रहे हैं, तो अब क्या होगा, तो ये है ई टू, ये आर टू है, ये है ई वन, ये आर वन है और ये कैपिटल आर है। अब निर्भर करेगा कि किसका विद्युत वाहक बल ज़्यादा है, तो हम बात कर लेते हैं यदि E1 ज़्यादा है किससे, E2 से, तो E1 ज़्यादा होगा E2 से, तो यहाँ पर जो नेट विद्युत वाहक बल बनने वाला है वो E1 में से E2 को घटा के मिलेगा, क्योंकि ये सेल एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ धारा पूछी जाए I की वैल्यू, तो वो हो जाएगा नेट विद्युत वाहक बल, तो E1 माइनस E2 बनेगा डिवाइडेड बाई में कुल प्रतिरोध बनेगा, तो प्रतिरोध में सेम सेम आएगा आर वन प्लस आर टू प्लस कैपिटल आर या बड़ा वाला आर जो लिखा गया, ऐसा हो गया। ठीक है, तो जब असमान सेल जुड़े होते हैं तो सपोर्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे का सहायक बनते हैं, तो जुड़ता है विद्युत वाहक बल, अगर नहीं बनते हैं तो विद्युत वाहक बल घटता है। यही बात अगर हम करें यहां पर, यही बात की जाए समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम के लिए असमान सेलों का संयोजन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हमें पढ़ना है वो विभवमापी, तो विभवमापी के लिए बात करेंगे। समांतर क्रम में मैंने एक ऐसा सेल लगाया, एक दूसरा सेल ऐसा लगा है, यहाँ पर भी एक ऐसा सेल लगाया गया, यहाँ एक दूसरा सेल लगा है और यहाँ पर एक बाह्य परिपथ में प्रतिरोध लगा है, ये है E1 R1, ये है E2 R2। ठीक है, हमें ये बताना है कि इसका विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है वो डायरेक्ट हम यहाँ से बता देते हैं कि जो ई नेट होता है, नेट विद्युत वाहक बल, वो क्या लिखा जाता है, वो लिखा जाता है ई वन बटा आर वन, दोनों सेम साइन, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो हम इसे लिखेंगे प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई, यहाँ लिखा जाता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, साथ में जो ये R लगा है तो 1 बाई R भी लिख देते हैं। तो ये होता है समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल का तुल्यमान। तो
अब ये विद्युत वाहक बल निकल के आ गया तो भी बराबर आई आर लगा लेंगे। लेकिन अगर ये सेल ऐसे नहीं इस तरह से लगे हों, एक की पोलैरिटी इधर है दूसरे की पोलैरिटी इधर है और ये आर से कनेक्टेड है, अब तो ये हो गया ई वन आर वन, ये हो गया अपने पास ई टू आर टू, यहाँ कैपिटल आर हो गया। अब कोई पूछता है कि नहीं विद्युत वाहक बल बताओ, क्योंकि विद्युत वाहक बल बता के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो अगर हम ई नेट निकालें तो विद्युत वाहक बल अब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग ये मान लेते हैं कि ई वन ज़्यादा है ई टू से, तो अगर ई वन ज़्यादा ई टू से तो यहाँ लिखेंगे ई वन बटा आर वन माइनस ई टू बटा आर टू, ये E2 है बटा R2, यहां हो जाएगा 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू और प्लस 1 बाई कैपिटल वाला R लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू काम करती है हमारे पास। तो ये समांतर क्रम संयोजन हो गया जब असमान सेल लगे हों, और ये काम आएगा जब हम विभवमापी पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में काम में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किरचाफ के नियम क्या हैं। हाँ, हम जानते हैं कि कोई भी परिपथ हल करना होता है, अगर किरचाफ के नियम हमें नहीं आते तो परिपथ हमसे हल नहीं होता है। ठीक है, तो किरचाफ ने दो नियम दिए थे। पहले नियम के बारे में बात करें तो उनका पहला नियम है किसी भी संधि पर मिलने वाली, किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। जनरल स्टेटमेंट है, कैसे काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये यहां कोई संधि दी गई है, ये कोई संधि है जिसका नाम लिख देते हैं जंक्शन जे, जंक्शन संधि है। यहां पर जो धाराएं आ रही हैं उनके बारे में बात की जा रही है। पहली धारा मान लेते हैं ये I1 आ रही है, यहाँ पर ये धारा I2 आ रही है। ठीक है, इधर आ रही है I3। जाने वाली धाराओं के बारे में लिखें तो ये जाने वाली धारा है I4 और ये जाने वाली धारा है I5। इनका नियम क्या कहता है, इनका नियम कहता है कि संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब सिग्मा आई बराबर जीरो। लेकिन सिग्मा आई बराबर जीरो काम कैसे करता है, इसके लिए चिन्ह परिपाटी क्या है वो पहले जान लेते हैं। तो जब भी ये नियम प्रयोग करना हो तो इसके लिए एक निश्चित चिन्ह परिपाटी है, चिन्ह परिपाटी है। बेसिकली हमारा एजम्पशन है वो चिन्ह परिपाटी, हम लोग अपना एजम्पशन मान के चलते हैं वो है। इसको दो तरह से लिखा जाता है, कहते हैं कि जो बीजगणितीय योग होगा तो उसमें प्लस माइनस लगा के जीरो लिखा जाता है। तो प्लस माइनस लगा के जीरो का मतलब ये है कि अगर कोई संधि है, संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग लिखना है, तो अगर आई जो इनकमिंग करंट है, आई जो इनकमिंग करंट है, आने वाली धाराएं हैं, इनको अगर हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखें तो जाने वाली धाराओं को हमें निगेटिव साइन के साथ लिखना पड़ता है। तो जो आई आउटगोइंग होती हैं, जाने वाली बाहर जाने वाली जो धाराएं होती हैं उनको हमें ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखना पड़ता है। कुछ लोग इसे ऐसे भी कहते हैं, दोनों बातें लिखती हैं अलग अलग बुक। कुछ लोग ऐसे कहते हैं मतलब कि इनकमिंग करंट को हम निगेटिव लिख लेते हैं, इनकमिंग करंट को निगेटिव लिख लेते हैं, और जो आउटगोइंग करंट है, आई जो आउटगोइंग है, इनको हम पॉजिटिव लिख लेते हैं, इनको पॉजिटिव लिख लेते हैं। तो ये होता है इसका साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी होती है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का, चिन्ह के साथ हमें जोड़ना रहता क्योंकि यहाँ बीजगणितीय योग होता है, धारा अदिश राशि से अदिश राशि है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी वहाँ ओम के नियम वाले चैप्टर में। अब इस चिन्ह परिपाटी का उपयोग करके सिग्मा आई बराबर जीरो को हम यहाँ लिखें तो क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि ये जो पहला साइन कन्वेंशन है वो हम यूज़ करना चाहते हैं। तो अगर पहला साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट साइन कन्वेंशन, तो पहले में इनकमिंग करंट को धनात्मक लिखना है तो I1 को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखो फिर जोड़ो, I2 को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखो फिर जोड़ो, और I3 को धनात्मक चिन्ह के साथ लिखो और जोड़ दो। ठीक है, अब जाने वाली धाराओं को हमें निगेटिव साइन के साथ लिखना है तो अब क्या लिखेंगे, हम प्लस चिन्ह लगाएंगे, माइनस साइन के साथ लिखेंगे I4, फिर प्लस चिन्ह लगाएंगे, माइनस साइन के साथ लिखेंगे I5, और बराबर क्या लिख देंगे जीरो। अब माइनस वालों को अगर उधर भेज दिया जाए तो यहां मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3, बराबर में क्या लिखा जा सकता है I4 प्लस I5 लिख सकते हैं, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम ये साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना चाहते, किसी ने कहा कि हम सेकंड वाला साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, दूसरा वाला साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, ये जो सेकंड साइन कन्वेंशन ये फर्स्ट था, ये हमारे पास क्या है सेकंड साइन कन्वेंशन है, तो अगर सेकंड साइन कन्वेंशन हम यहां पर यूज करते हैं दूसरा वाला, तो इनकमिंग निगेटिव है मतलब माइनस आई वन होगा, इसमें कौन जुड़ेगा माइनस आई टू जुड़ेगा, और इसमें माइनस आई थ्री जुड़ेगा, और
प्लस लगा करके अब हम लिखेंगे प्लस आई फोर, और इसे लिखा जाएगा प्लस आई फाइव, और ये सब बराबर क्या लिखेंगे, जीरो। यहां से भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ठीक है, बराबर में क्या लिखेंगे, आई फोर प्लस आई फाइव। रिजल्ट दोनों जगह से सेम निकल के आता है। तो इधर जो करंट लिखी गई है, ये जो करंट लिखी है ये क्या है, इनकमिंग है, इनकमिंग है, और जो इधर करंट लिखी गई है वो क्या है, आउटगोइंग है। दोनों जगह पर सेम यही लिखा है, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। तो इस नियम को दूसरी तरह से भी लिखा जाता है, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराएं जो होती हैं, आने वाली धाराओं का कुल बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो आई होता है वो इनकमिंग आने वाली धाराएं बराबर होती है आई आउटगोइंग, आउटगोइंग, ठीक है। इस तरह से हम किरचॉफ के संधि नियम को लिख सकते हैं। इसका पहला नियम तो ये नाम तो यही हो गया, इसको और किन नामों से जाना जाता है, सबसे पहले इनके नाम लिख लेते हैं। तो प्रथम नियम तो है ही, इसे हम धारा नियम भी कहते हैं, धारा नियम हो गया, इसे हम संधि नियम भी कहते हैं, संधि नियम भी हो गया, ठीक है, और इसे किरचॉफ का पहला नियम भी कहा जाता है। तो धारा नियम, संधि नियम और किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का धारा नियम, इन शॉर्ट जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो यही कहते हैं, किरचॉफ का, किरचॉफ का धारा नियम, धारा नियम, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में KCL कहेंगे, ठीक है, KCL, KCL में किरचॉफ्स करंट लॉ है ये, ठीक है। तो किरचॉफ का धारा नियम है, इससे हम सवालों को देखा करेंगे, ठीक है। जनरली क्लास 12th में इससे सवाल नहीं लगाते, कहते हैं सेकंड लॉ से सवाल जल्दी आसानी से होते हैं, लेकिन इससे सवाल बहुत आसानी से बन जाते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे बहुत आसानी से बनाते हैं सवालों को, ठीक है। तो इतनी बातें इसके बारे में याद रखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये आवेश संरक्षण पर कैसे आधारित है। तो अगर हम इसके बारे में यहाँ बात करें कि यहाँ जो धाराएं आ रही, जैसे हमने अभी लिखा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ठीक है, और माइनस आई फोर, पहला वाला साइन कन्वेंशन लिख रहे हैं, माइनस आई फाइव बराबर जीरो, ऐसा कुछ है। हम लोगों ने विद्युत धारा की एक परिभाषा पढ़ी थी कि विद्युत धारा क्या होती है, आई बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी, होता है ऐसा। तो अगर हम आई वन को लिखें तो डी क्यू वन बाई डी टी लिख सकते हैं, क्यू वन आवेश आ रहा मान लेते हैं, डी क्यू टू बाई डी टी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, डी आई थ्री मतलब क्यू थ्री डिवाइडेड बाई डी टी लिख सकते हैं, माइनस यहाँ डी क्यू फोर बाई डी टी लिखा जा सकता है, और माइनस डी क्यू फाइव बाई डी टी लिख सकते हैं हम इसे, और ये बराबर जीरो हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम डी बाई डी टी को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बनने वाला है, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री माइनस क्यू फोर बनेगा, और माइनस का क्यू फाइव बनेगा, और बराबर जीरो। और किसी का अवकलन जीरो होने का मतलब ये वैल्यू जीरो होने वाली है, ये वैल्यू जीरो होगी तो मतलब क्यू वन प्लस क्यू टू, ये डी बाई डी टी तो यहाँ से हटा देते हैं, क्यू थ्री, और यहाँ पर अगर हम लिखें तो बराबर लगा के लिख सकते हैं क्यू फोर प्लस क्यू फाइव। यहाँ से ये क्या है, तो ये चार्ज है, कौन सा, आने वाला चार्ज, इनकमिंग चार्ज है ये, और यहाँ पर ये क्या है, तो ये है जाने वाला चार्ज, तो क्यों क्या है, ये आउटगोइंग है, आउटगोइंग चार्ज है। तो इनकमिंग चार्ज और आउटगोइंग चार्ज बराबर हो रहे हैं, मतलब संधि की ओर जितना आवेश आ रहा है संधि से दूर उतना आवेश जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसे कहते हैं किरचॉफ का जो धारा नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है, आधारित है, आधारित है, ठीक है। इस तरह से हो गया। इसको लगाना कैसे है, तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई क्वेश्चन दिया है, इसमें आ रही 2 एम्पियर की करंट, ठीक है, इधर जा रही है 1 एम्पियर की करंट, इधर कुछ करंट जा रही है, मान लेते हैं वो करंट है आई वन, और यहाँ से 3 एम्पियर की करंट आई, अब यहाँ से इधर चली गई 0.2 एम्पियर की करंट, यहाँ पर जा रही है 0.8 एम्पियर की करंट, यहाँ पर मान लेते हैं लिखा गया है I, किसी ने कहा I का मान बताओ कितना होगा,
तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर लिखेंगे, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो देखो 2 एम्पीयर इधर से आ रही, 3 एम्पीयर इधर से आ रही, तो टोटल इनकमिंग करंट कितनी हो गई, तो टोटल 5 एम्पीयर की करंट आ रही है। 1 एम्पीयर इधर चली गई, तो 5 में 1 चली गई, तो इधर कितना बचा, 4 एम्पीयर धारा यहाँ हो गई। तो 3 2 5 हुआ, 1 चली गई, 4 एम्पीयर बना। अब इस 4 एम्पीयर में देखो 0.2 इधर चली गई और 0.8 इधर चली गई, मतलब 1 एम्पीयर इधर चली गई। तो 4 आ रही थी, 1 बाहर चली गई, तो कितनी इधर जा रही होगी, 3 एम्पीयर धारा इधर जा रही होगी। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन जो 1 नंबर 2 नंबर में आते हैं उनको ऐसे लगाया जा सकता है, लेकिन परिपथ में ये कैसे काम करता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। दूसरे नियम के बारे में बात करें तो हम जानते हैं दूसरा नियम क्या होता है, किसी बंद पास अथवा लूप के अनुदिश अगर हम चलते हैं तो उसमें जितने भी अवयव उपस्थित होते हैं उनमें होने वाले विभव परिवर्तनों का योग शून्य होता है। इसको दो अलग अलग तरीके से बात की जाती है। यहाँ पर हमने एक परिपथ लिया है, ठीक है, इसमें जो बंद पास हैं, अगर कोई कहे बंद पास कितने, तो मान लो हम ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, यहाँ पर एफ लिखा गया है। जब भी बंद पास के बारे में बात की जाती है तो एक ऐसा पथ जिसमें धारा क्लोज्ड सर्किट बनाती है, जहाँ से आवेश चले वहाँ पर दोबारा वापस आवेश आ जाए, तो वो बंद पास कहलाता है। अब इस बंद पास को हम यहाँ से लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये दो सेल लगाए गए हैं यहाँ से, इसमें से धारा प्रवाह इधर की तरफ हो रहा, मान लेते हैं इधर जो धारा जा रही है, यहाँ पर हम धारा लिखते हैं कि इधर जो धारा जा रही है इसमें वो आई वन है मानना है, मान लेते हैं धारा, तो यहाँ धारा आई वन जा रही, तो आई वन धारा जाएगी तो यहाँ से यहाँ सब जगह पर आई वन धारा जाएगी, क्योंकि रास्ता एक ही है जाने का, तो आई वन धारा यहाँ से यहाँ तक गई, तो ये आई वन हो गई। अगर इधर वाले दो सेल जो दिए गए हैं इनमें बात किया जाए, तो मान लेते हैं इधर धारा जा रही है I2, तो इधर धारा अगर I2 जा रही है तो ये I2 इधर जाएगी लगातार, ये I2 धारा हो गई। अब इधर चली गई है I1, इधर I2 आ रही है, तो इधर जो धारा जा रही होगी उसे हम किरचॉफ का नियम लगा करके लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि I1 इधर चली गई, I2 आ रही थी, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, I2 में से I1 निकल गई तो जो बची धारा वो इधर जा रही होगी, ठीक है। अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो इसको हम दोबारा से समझा देते हैं कि यहां कितनी धारा होगी, इसको ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं यहां धारा कितनी है, I है, तो अगर हम इस पॉइंट के ऊपर किरचॉफ का पहला नियम लगाएं तो क्या है, आने वाली बराबर जाने वाली धारा, तो आने वाली धारा कितनी I2 है, जाने वाली कितनी है I1 प्लस I, जाने वाली धाराएं हैं, तो यहां से अगर I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी, I2 माइनस I1 निकल के आएगी, तो ये हो जाएगा I2 माइनस I1, ऐसा बनेगा। जब भी ये नियम लगाया जाता तो इसके लिए भी चिन्ह परिपाटी लगाई जाती है, ये चिन्ह परिपाटी हम यही बता देते हैं, इसकी चिन्ह परिपाटी सुन लो, चिन्ह परिपाटी, इसकी चिन्ह परिपाटी कैसे काम करती है, तो ये कहते हैं कि सर्किट में जो प्रतिरोध होगा, जैसे मान लेते हैं ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध में जिधर धारा प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, जैसे मान लेते हैं ये धारा इधर जा रही, तो जहां प्रवेश करे उधर प्लस चिन्ह लगाओ और उसके विपरीत में माइनस चिन्ह लगाओ। बाकी दूसरी बात, यहाँ पर ये सेल है तो सेल में प्लस माइनस तो पहले से फिक्स होते हैं, उनमें से जो भी साइन लिखना चाहें लिख सकते हैं, तो इस तरह से साइन हमें लगाना है। अभी देखेंगे कि विभव कैसे लिखा जाएगा, प्लस माइनस कैसे होता, इस चिन्ह परिपाटी के अलावा कोई चिन्ह परिपाटी हमें इस्तेमाल नहीं करनी है, या भी कह सकते हो ये भी चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी सवाल हम लगा सकते हैं, कैसे ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ बी से चलना शुरू करते हैं, यहाँ सेल मिला, सेल का ये निगेटिव टर्मिनल है, ऋण वाला भाग है, तो ये धन वाला भाग है, जो बड़ी लाइन है वो धन होती है। यहाँ पर देखो धारा आ रही है इधर जा रही, तो धारा जहाँ एंटर करती वहाँ प्लस और उसके विपरीत दिशा में माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस चिन्ह यहाँ प्लस चिन्ह होगा, यहाँ धारा एंटर करेगी प्लस चिन्ह यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस और माइनस पहले से हैं। इसमें धारा देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही, तो ये और माइनस हैं, प्लस तो लिखेंगे, यहाँ ऊपर से धारा आएगी तो इसे प्लस और इसे हम माइनस लिख लेंगे। इस वाले में धारा इधर जा रही है तो इधर प्लस लिखेंगे, ये माइनस लिखा जाएगा, यहाँ पर ये प्लस ये माइनस और ये प्लस होता है, धारा इसमें नीचे से ऊपर की तरफ जा रही, तो इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस लिखो। अब जितने भी पास हैं, अगर इस बारे में बात करें कि यहाँ कितने पास हैं या कितने लूप हैं,
इनके बारे में बात करें तो एक तो ये वाला बंद पास है, एक इधर वाला बंद पास है और एक बड़ा वाला बंद पास दिया गया है। ठीक है, इनके बारे में हम लिखना चाहते हैं। जैसे ये प्रतिरोध हमने लिख दिया R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3 है, यहाँ पर ये R4 प्रतिरोध है, ये R5 है, ये R6 है, ये R7 है। ठीक है, एक बढ़िया सा सर्किट बना दिया हम लोगों ने। अब यहाँ से लिख के सीखना चाहते हैं कि किरचॉफ का दूसरा नियम लिखा कैसे जाता है। तो ये जो परिभाषा लिखी ये तो बताती कि जो विभव का पतन है वो शून्य होता है। ठीक है, अब इसको लिखा कैसे जाएगा? तो जब भी हमें लिखना हो, एक चलने की दिशा मान लेते हैं, चलने की दिशा कैसी भी हो सकती है, मैटर नहीं करती। अगर ये साइन कन्वेंशन या ये चिन्ह परिपाटी लगाई, जैसे हमने चिन्ह लगाया है कि प्रतिरोध में जहां धारा एंटर करेगी वो प्लस, और बैटरी का जो धन होगा ऋण होगा वो सब सही रहेंगे। इसमें यहां पर जो हम अपनी तरफ से बता रहे हैं क्या चीजें याद रखनी है, तो याद रखना है जब भी इसमें चलने लगो, बंद पास के अनुदिश, बंद पास क्लोज लूप जो होता है, बंद पास के अनुदिश हमें एक चिन्ह का प्रयोग करना है, अनुदिश एक चिन्ह का प्रयोग करना है, एक चिन्ह। एक चिन्ह का मतलब या तो सबके पहले चिन्ह, पहले चिन्ह लिखेंगे, या तो सबके दूसरे चिन्ह लिखेंगे, दूसरे चिन्ह लिखेंगे, ध्यान ये रखेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी का हमें पहला साइन लिखना है या फिर हम किसी का दूसरा साइन लिख सकते हैं, हर किसी का लिखेंगे लेकिन बदलेंगे नहीं। तो मान लेते हैं किसी ने कहा हम पहले साइन को देखकर चलते हैं, पहला चिन्ह लिखते हुए चलते हैं और ये समीकरण लिखना चाहते हैं। तो मान लेते हैं यहां पर बंद पास बी ए एफ ई बी में, समझ में आया, यहां से चलना शुरू किया, यहां से वापस आकर फिर यहीं पहुंच गए, इस वाले पास में बात करना चाहते हैं और इसमें हम इस तरह से चलना चाहते हैं। ठीक, तो अगर इसमें चलना चाहते हैं तो सबसे पहले बी से बढ़ना शुरू करेंगे, हमें बैटरी मिलेगी। हम यहां सबके पहले चिन्ह लिख रहे हैं, लिख देते हैं यहां पर पहला चिन्ह लिख रहे हैं हम इस बार। तो अगर पहला चिन्ह लिख रहे हैं तो क्या होगा, पहले हमें बैटरी का चिन्ह मिला तो माइनस वाला टर्मिनल मिला। इनके विद्युत वाहक बल तो लिखे नहीं गए हैं, इनको लिख देते हैं। ये विद्युत वाहक बल क्या है, E1 है, ये विद्युत वाहक बल E2 है, ये है E3 बैटरी, ये है E4, यहाँ पर ये है E5, ये है E6, ये है E7। इतना बड़ा सर्किट क्यों लिया गया, ताकि इससे भी बड़ा सर्किट आए तो पेपर में सॉल्व हो जाए। तो बंद पास बी ए एफ ई बी में हम अगर बात करें तो सबसे पहले चलना शुरू किया, पहला साइन मिला, माइनस चिन्ह लेंगे क्योंकि पहला चिन्ह लिख रहे हैं, तो माइनस इवन लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब आगे हमें प्रतिरोध मिला, प्रतिरोध का पहला चिन्ह लिखना, तो पहला प्लस दूसरा माइनस, तो प्लस साइन लिखेंगे, तो प्लस लिखेंगे तो विभव को लिखना है तो आई आर होगा, धारा कितनी इसमें, तो आई वन है, तो यहां लिख देंगे आई वन इंटू आर वन। सही बात एकदम, यहां पर पहुंचेंगे तो सेल मिलेगा, सेल मिलेगा तो इसका कौन सा चिन्ह हमें पहले मिला, माइनस वाला, तो माइनस वाला पहले मिला तो माइनस साइन सा लिख देंगे, यहां पर माइनस ई लिख देंगे और ई में टू बनेगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे हमें मिलेगा प्रतिरोध आर टू, आर टू में देखेंगे ध्यान से तो क्या हो रहा है हमारे साथ, कि जो यहां पर प्लस साइन है वो पहले मिल रहा, माइनस बाद में मिल रहा, मतलब प्लस वाला साइन हमें लेना है क्योंकि पहला साइन सबका लिख रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा आई वन आर टू, क्योंकि धारा तो I1 जा रही पूरे में। अब इसका चिन्ह देखें तो प्लस का फिर मिलेगा, तो इसे लिखेंगे प्लस का I1 R3। वापस से जो सेल मिला, सेल में कैसा है, अब की बार सेल का टर्मिनल बदला है, पहला चिन्ह जो मिला है वो धन मिला है, तो पहला चिन्ह धन मिला है तो उसे हम प्लस का E3 लिख लेते हैं। फिर आगे जब वापस जाने लगेंगे बी की तरफ तो यहां पहुंचेंगे, यहां पर अब की बार जो प्रतिरोध मिलेगा, प्रतिरोध का जो पहला चिन्ह है वो माइनस का मिला हमें, तो वो माइनस का चिन्ह लगा के लिख देंगे, लेकिन धारा यहां पर कितनी है, तो धारा यहां पर लिखी गई है I2 माइनस I1, तो ये I2 माइनस I1 धारा है, और प्रतिरोध कितना है, तो प्रतिरोध है R4। ठीक है, फिर जब इस सेल के पास पहुंचे तो धन चिन्ह मिला हमें, तो यहां पर धन चिन्ह लिख देंगे E4, और फिर से जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो बराबर जीरो होता है। तो जब भी कभी लूप की समीकरणें लिखनी हो, इसी तरह से हमेशा हम समीकरण लिखेंगे। दूसरे वाले लूप की समीकरण भी लिख के बता देते हैं कैसी होगी। तो यहां पर पहला चिन्ह यूज कर रहे हैं, पहला यूज करेंगे तो बंद पास
नाम लिखो, तो बंद पास में यहां से नाम लिखना चाहे यहां से लिखना चाहे इधर से लिख दो, ई डी सी बी में, मतलब हम इस तरफ चल रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, ई डी सी बी और फिर ई में, जहां से चलते हैं वहीं वापस आना पड़ता है। अब लिखें, जल्दी जल्दी लिखते हैं। सबसे पहले ए ई से चलना शुरू करेंगे, धन चिन्ह मिलेगा, प्रतिरोध का धारा है आई टू, तो विभव पतन कितना बनेगा, तो बनेगा प्लस का आई टू इंटू आर फाइव, क्योंकि आर फाइव प्रतिरोध है। सेल का पहला चिन्ह मिला धन, तो धन चिन्ह लगा के लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे ई फाइव। फिर आगे बढ़ेंगे, दूसरा सेल मिलेगा उसका ऋण चिन्ह मिलेगा हमें, तो उसे लिखेंगे माइनस का ई सिक्स, ठीक है। और उसके बाद में क्या मिलेगा, प्रतिरोध इसका प्लस चिन्ह मिलेगा आर सिक्स में, तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, धारा कितनी है आई टू आर सिक्स है। फिर सेल मिलेगा उसका ऋण चिन्ह हमें यहां पर मिलेगा और धन यहां मिलेगा, और यहां पर धारा इधर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इधर से इधर की तरफ, तो ये प्लस और माइनस लगाना भूल गए थे तो लगा लेते हैं। तो ये तो यहां पर आई टू आर सिक्स तो हो गया, अब यहां सेल मिला वो माइनस चिन्ह रखता है, तो पहला चिन्ह हम लिख रहे हैं तो माइनस चिन्ह रख रहा है, तो कितना है ई सेवन है, और साथ में जो प्रतिरोध है वो पहला प्लस चिन्ह रखता है, तो उसे लिखेंगे आई टू इंटू आर सेवन, और पहुंच जाएंगे हम कहां पर, बी पर। और बी पर पहुंचने के बाद अब क्या होगा, हम इधर नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि यहां से चलना शुरू किया है, तो यहां पर पहुंचेंगे माइनस ई फोर मिलेगा हमें, तो माइनस ई फोर मिलेगा पहला चिन्ह, और ये प्लस साइन लगाएंगे, तो प्लस साइन लगा के हम क्या लिखेंगे, इसमें है I2, धारा कितनी थी I2 माइनस I1 धारा है, प्रतिरोध है R4, और वहीं पहुंच गए तो जीरो। तो इस तरह से दो बड़े बड़े लूप में हम समीकरण लिख सकते हैं, चिन्ह हम लगाएंगे प्रतिरोध में, जहां धारा एंटर करेगी प्रवेश करेगी वो धन लिखेंगे, जहां से निकलेगी वो ऋण लिखा जाएगा, और सेल के जो चिन्ह होते हैं वो लिखे ही जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यहां पर एक मायने रखती है कि सेल के जो जो साइन कन्वेंशन हम लोग यूज कर रहे हैं, सबके या तो पहले चिन्ह लेने हैं या तो सबके दूसरे चिन्ह लेने हैं। हम जनरली प्लस साइन पहला साइन यूज करते हैं, पहले चिन्ह में कन्फ्यूजन नहीं रहती है, तो हमेशा पहला चिन्ह यूज करके लिख सकते हैं, या चाहे तो दूसरा भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अजम्पशन है कुछ भी हो सकता है, तो अगर एक ही लिख सकते हैं तो अजम्पशन का आएगा फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें ये देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से काम करता है ऊर्जा संरक्षण के ऊपर, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो यहां पर कोई ऊर्जा संरक्षण का एक उदाहरण हम लेकर चलते हैं। जैसे हमने कहा यहां पर एक प्रतिरोध है, एक मिनट, ये प्रतिरोध है जिसका नाम है R1, ठीक है। यहां पर एक सेल लगाया गया है, यहां पर एक अलग प्रतिरोध है, ठीक है, और यहां पर ये ऐसा कुछ है, ये सेल इधर से धारा देगा, ये सेल इधर से धारा दे रहा है, इधर इस सीधी लाइन खींच लेते हैं, यहां पर आ रहे हैं हम लोग, ये ऐसा है कुछ, ये R1 है, ये R2 है, यहाँ कहीं पर एक प्रतिरोध और लगा लेते हैं, ये प्रतिरोध है मान लेते हैं R3, ये हमारे पास E1 है और ये है हमारे पास E2, ध्यान रखेंगे इस तरह से दिए गए हैं। अब इनके चिन्ह लगाने, तो धारा प्रवाह हो रहा होगा, तो धारा प्रवाह इधर से इधर की दिशा में हो चाहे, तो ये माइनस ये प्लस है, ये माइनस ये प्लस है, तो धारा इधर की दिशा में प्रवाहित होनी चाहिए इस सेल की वजह से, ये भी यही चाहता है कि इधर से धारा प्रवाह हो, तो मान लेते धारा आई प्रवाहित हो रही है इस पूरे परिपथ के अंदर आई, तो ये आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब अगर हम अपना चिन्ह लिखें तो क्या होगा, यहां धारा प्रवेश कर रही तो प्लस माइनस, यहां पर धारा प्रवेश कर रही तो प्लस माइनस, यहां पर धारा प्रवेश कर रही तो प्लस माइनस होगा, ठीक है। अब इसमें हम इस दिशा में जा करके समीकरण लिखना चाहते हैं किरचॉफ के नियम की। तो सबसे पहले क्या होगा, हम इस बिंदु से चलना शुरू करते हैं, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, हम चलना शुरू करते हैं, बंद पास लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, पेपर में लिखना है बंद पास ए बी सी डी ए में, जहां शुरू करना वहां तक जाना है हमें। अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले ए से चलना शुरू करेंगे, तो यहां पर हमें सेल जो मिलेगा, हम पहला चिन्ह यूज कर रहे हैं, तो पहला चिन्ह जो मिलेगा वो माइनस का इवन मिलेगा, लिख लिया,
ठीक है। यहां पर आएंगे तो प्लस का चिन्ह मिलेगा, तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे तो धारा और प्रतिरोध लिखेंगे, तो I इंटू आर थ्री लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें प्लस चिन्ह मिलेगा तो प्लस चिन्ह मिलेगा तो I इंटू आर टू लिख देंगे। सेल का चिन्ह माइनस मिलेगा तो माइनस ई टू लिख देंगे। और दूसरा जब यहां पर पहुंचेंगे तो ये मिलेगा प्लस का आई इंटू आर वन, और दोबारा ए पर पहुंच जाएंगे तो इसी को कर देना है जीरो। तो यही है सिग्मा वी बराबर जीरो। अब इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं तो क्या होगा, देखो हम ई वन ई टू को उधर भेज देते हैं तो कुछ ऐसा बनने वाला है, ई वन प्लस ई टू बराबर में क्या बनेगा, देखो आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस यहां बन जाएगा आई आर थ्री। इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या देख सकते हैं, ई वन ई टू ये सब ऐसे लिखे गए हैं। अब अगर ये ऐसे लिखे गए हैं तो इनको क्या लिखा जा सकता है, इसमें आवेश तो समान ही जा रहा होगा, तो अगर आवेश समान जा रहा है तो इसको डिफरेंशियल फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं तो इसे लिखेंगे डी डब्ल्यू वन बाई डी क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। और यहां पर लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, डी डब्ल्यू टू बाई डी क्यू, क्यों तो सेम ही है बराबर। यहां पर भी लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, आई यहां पर वोल्टेज 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 है तो यहां डी डब्ल्यू थ्री बाई डी क्यू लिखा जाएगा, और यहां पर डी डब्ल्यू फोर बाई डी क्यू लिख सकते हैं, और इसे लिखें तो डी डब्ल्यू फाइव बाई यहां पर डी क्यू लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां से सबको अगर कैंसिल करें तो ये ऐसा बन रहा है डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू बराबर डब्ल्यू थ्री प्लस W4 प्लस W5। इनमें ये WW क्या है, तो WW ये हमारे पास हैं, ये पहली सेल का जो बैट जो क्यों आवेश प्रवाहित कराएगी पहले सेल, उसके द्वारा किया गया कार्य है ये, ठीक है। ये दूसरी बैटरी द्वारा किया गया कार्य है, ये पहले ये R1 में जो धारा प्रवाह होगा उसमें जो ऊर्जा हरा हानि है, ऊर्जा ह्रास है ये R2 में ऊर्जा ह्रास है, ये R3 में ऊर्जा ह्रास है, इस तरह से लिखा गया है। तो इसको अगर हम ठीक से विजुलाइज करें, ठीक से देखें, तो जो किए गए कार्य होंगे मतलब विद्युत वाहक बलों का जो योग होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा ई, और इधर क्या लिखा है आई इंटू आर, तो इसे लिखा जा सकता है समेसन आई इंटू आर, इस तरह से भी इस नियम को लिखा जा सकता है। तो जो कुल विद्युत वाहक बलों द्वारा किया गया काम होगा वो इस परिपथ में ऊर्जा क्षय के बराबर होगा, मतलब परिपथ में दी गई ऊर्जा बराबर ऊर्जा क्षय होगा, परिपथ की कुल ऊर्जा नियत रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के ऊपर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। तो किरचाप का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। किरचाप के इस दूसरे नियम में बात करें तो इसका पहला नाम तो यही हो गया किरचाप, द्वितीय नियम इसको हम शॉर्टकट में केवीएल लिखते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या लिख सकते हैं हम, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहा जाता है, ठीक है। और बंद पास का नियम तो कहते हैं, द्वितीय नियम हो गया, ठीक है। और ये किस पर आधारित है, तो आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। ये कैसे लिखा जा सकता है, तो इस तरह से भी देखा जा सकता है और डिफरेंशियल इक्वेशन बना करके भी देखा जा सकता है कि जो ईएमएफ वाले सोर्स हैं वो जितना वर्क डन करेंगे उस वर्क डन का जो टोटल होगा, जो यहां वर्क डन किया जाएगा बैटरी की वजह से, वो टोटल वर्क डन बराबर होगा परिपथ में क्षय होने वाले ऊष्मा क्षय के या ऊर्जा हानि के बराबर होने वाला, ठीक है। इनको लगाया कैसे जाता है परिपथ में, तो एक सवाल यहां पर लिखा गया है, इस सवाल को अगर खुद ही ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो हम इन पर दोनों नियमों को एक एक करके लगा के देखते हैं कि ये दोनों नियम कैसे काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमने अभी बात मानी है उनसे बात करते हैं, इसे लगाते हैं। सबसे पहले मेथड नंबर एक डाल लेते हैं, मेथड नंबर एक डाल लेते हैं। ये किससे लगाएंगे हम लोग, केसीएल से लगाएंगे, इसे किरचाप के धारा नियम से लगाएंगे। कैसे, तो किरचाप के धारा नियम से जब भी लगाया जाता है उसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर जो बैटरी लगी है उनके बारे में तो ठीक है, यहां पर ये पॉइंट, यहां पर ये पॉइंट, इनके बीच में कुछ जुड़ा नहीं है, तो इस पॉइंट जो सेम पॉइंट होते हैं इनको रेफरेंस पॉइंट के साथ मिला दिया जाता है, तो इनको क्या कर देते हैं, इनको ग्राउंड कर देते हैं। तो यहां पर है तीन ओम बना दिया, यहां पर हमारे पास एक सेल लगी हुई है, ये सेल लगी हुई है, ऐसा पी पॉइंट है यहां पर। और दूसरी बात यहां पर की जाए तो यहां पर एक ओम प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पर एक दूसरी सेल लगी हुई है, यहाँ पर पाँच ओम प्रतिरोध लगा हुआ है,
ये 5 ओम प्रतिरोध है। अब इन तीनों पॉइंट को सेम करना चाहते तो तीनों पॉइंट को एक साथ मिला देते हैं, ये तीनों पॉइंट को एक साथ मिला दिया हम लोगों ने, और जो कंबाइंड पॉइंट होता है इसको हम क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड करने का मतलब इसका जो विभवांतर है या विभव जो है वो शून्य हो गया। अब ये विभव शून्य हो गया है, अब इसके सापेक्ष हमें विभव लिखना है, तो सबके तो विभव लिख सकते हैं लेकिन जो पी बिंदु है इस पी बिंदु का विभव हम नहीं लिख सकते, तो पी बिंदु का विभव हम मान लेते हैं, इसका विभव वी पी है, पी बिंदु का विभव वी पी है, ठीक है। अब क्या करना है, पहला काम तो ये हो गया, जो रेफरेंस है उसको ग्राउंड कर दो, जमीन में लगा दो, और उसे क्या करना है, जीरो पोटेंशियल नाम दे देते हैं कि जीरो विभव है। अब यहाँ पर जो सेल लगा था ये कितने का था, 6 वोल्ट का, और ये क्या था, 9 वोल्ट का सेल था, ठीक। अब जो ये हम लोगों ने संधि मानी है, संधि क्या होती है, तीन या तीन से ज्यादा, संधि के बारे में बात की जाए तो संधि तभी होती है जब तीन या तीन से ज्यादा ब्रांच जो शाखाएं होती हैं वो जुड़े, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। उसमें एक को ग्राउंड कर दिया, दूसरे का विभव लिख दिया। अब क्या करना है, इससे जो धाराएं हैं वो हमें माननी है, लेकिन हम मानेंगे बाहर की दिशा में निकलती हुई, तो ये बाहर की दिशा में धाराएं निकल रही हैं, इसको I1 नाम दे दिया। इधर जो धारा जा रही है उसे हम I2 नाम दे देंगे, और इधर जो धारा जा रही होगी उसे हम I3 नाम दे देंगे। तो I2, I3 और I1 धाराएं यहाँ से निकल रही हैं, संधि से दूर जा रही धाराएं, तो अब जो दूर जाएं या पास जाएं, साइन कन्वेंशन यूज़ करना है, प्लस माइनस के साइन यूज़ करने हैं, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर जीरो। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम सिग्मा I बराबर जीरो लिखना चाहते हैं, तो टोटल धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा। अब धारा लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो सबसे पहले हम विभवांतर लिखें, तो I1 की वैल्यू लिखी जाएगी, I1 यहाँ प्रवाहित हो रही है तो VP इसका विभव है। यहाँ पर माइनस और प्लस है, तो जब माइनस में धारा प्रवेश करती है तो वोल्टेज का गेन होता है, विभव में वो कह सकते हैं बढ़ोतरी होती है, तो इसे हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे, तो प्लस 6 लिख देंगे। वापस यहाँ आएंगे तो ये जीरो लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय कुल प्रतिरोध लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। प्लस I2 के बारे में बात की जाए तो I2 VP है यहाँ पर, और फिर जीरो है, 1 ओम प्रतिरोध है। इसी तरह से I3 लिखें तो VP लिखा जाएगा, और यहाँ पर प्लस में धारा एंटर कर रही है तो विभव पतन होगा, तो -9 -0 बटा क्या लिखा जाएगा, 5 ओम, और बराबर ये जीरो हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसमें से VP की वैल्यू निकालनी है। तो अब अगर यहाँ से VP की वैल्यू निकाली जाए कि कितनी निकल के आ रही होगी, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, LCM 15 बनेगा। तो अगर हम 15 को LCM ले लेते हैं तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर लिखा है VP, यहाँ 3 है, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ बन जाएगा 5 VP, ठीक है। प्लस 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 30 बन जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, देखो 1 है, सीधे सीधे कितने 15 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 15 VP बन जाएगा। और यहाँ पर बन जाएगा प्लस, यहाँ VP लिखा है, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 VP, और यहाँ बनेगा 9 * 3 = 27, तो ये 27 बन जाएगा, और बराबर में क्या होगा, 0 बनेगा। तो अगर यहाँ से वैल्यू देखें, 5 20 बन जाएगा, ये 20 * 3 = 23, तो 23 VP बन गया। यहाँ पर देखो 30 लिखा है, और यहाँ पर कितना लिखा है, -27, तो प्लस का ये 3 बनने वाला है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 0। तो VP की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -3/23, ये ऐसा निकल के आएगा वोल्ट। तो VP की वैल्यू तो हमने निकाल ली, I1 + I2 + I3 = 0 करके। अब हमें क्या निकालना, धारा। तो धारा कौन सी चाहिए, तो धारा चाहिए 1 ओम प्रतिरोध में, मतलब इसमें धारा हमें चाहिए, तो इसमें जो धारा होगी वो I2 होगी ना। तो अगर हम यहाँ से I2 की वैल्यू निकालें, तो I2 की वैल्यू क्या है, यही तो है I2 की वैल्यू। तो I2 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही -3/23, और एम्पियर में लिखा जाएगा। यहाँ माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि हमने धारा मान रखी है P से Q की तरफ, आंसर में क्या लिखा गया है, Q से P की तरफ, तो विपरीत दिशा में धारा आएगी। इसको अगर हम लोग डिवाइड करके देखें तो कितना निकल के आएगा, उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है, 0. माइनस लगा लेते हैं, 0. क्या बनेगा, 30 हो जाएगा, एक बार में चला जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचा, 7 बच जाएगा,
और अगर हम 70 करेंगे तो 20 * 3 = 60 हो जाएगा 3, ये लगभग में इतनी वैल्यू बन रही है। ठीक है, तो जब भी कभी हमें KCL से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले काम क्या करना है, जंक्शन ढूंढने हैं, जो जंक्शन संधियां हैं उनमें उनको ढूंढना है। यहाँ पर हम लोगों ने इस P को देखा, P ये संधि थी तो उसका विभव हम लोगों ने अपने मन से माना, उसके लिए धाराएँ लिखी। धाराएँ हमेशा बाहर की तरफ माननी चाहिए, ठीक है, आउट गोइंग डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं इन जनरल हम अपने साइन कन्वेंशन के लिए। और यहाँ 1 ओम में धारा बतानी थी तो जो यहाँ रेफरेंस वाले पॉइंट थे ये तीनों पॉइंट एक ही साथ मर्ज करा दिए, उनको रेफरेंस पॉइंट के तौर पर ग्राउंड से जोड़ दिया जिसका विभव 0 था और उसके सापेक्ष कैलकुलेशन की, ऐसा मान निकल के आया। ठीक है, अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें कि KVL लगा के अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, अब हम KVL लगाएंगे इसके ऊपर, तो अगर KVL लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सीधे हम मान लेते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये धारा प्रवाह हो रहा है, मान लेते हैं धारा प्रवाह हो रहा है I1, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है I2। ठीक है, तो ये धाराएं हैं आपकी बार, तो ये I1 है, ये I2 हो गया, तो I1 इधर चला गया, I2 आ रहा था, तो इसमें जो धारा जाएगी वो कितनी धारा जाएगी, तो वो जाएगी I2 आ रहा था उसमें से I1 निकाल दो तो इतनी धारा जाएगी इसके अंदर। अब चिन्ह लगा लेते हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा था तो ये माइनस प्लस तो है ही, यहाँ धारा प्रवेश करेगी तो प्लस माइनस बनते हैं, यहाँ पर ऊपर से धारा आएगी तो ये प्लस और माइनस बनेगा, नीचे से ऊपर धारा जाएगी तो ये प्लस और माइनस बनेगा। इसमें और इसमें लगा लेते हैं अब हम KVL। तो पहले लूप के बारे में बात करें, ये लूप नंबर 1 है, ये लूप नंबर 2 है, तो अगर हम पहले लूप में बात करें लूप नंबर 1 में, तो एक लूप में कैसे लिखा जा सकता है, पी से चलना शुरू करेंगे -6 वोल्ट मिलेगा हमें, फिर यहाँ से चलना शुरू करेंगे पहला चिन्ह लिख रहे हैं तो प्लस का यहाँ 3 मिलेगा, धारा कितनी इसमें जा रही है, I1 जा रही है, फिर यहाँ पर जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस चिन्ह मिलेगा तो -1 मिलेगा, धारा इसमें कितनी है तो I2 - I1 धारा है, और वहीं पहुँच गए तो 0 है। तो अगर इसे सही से लिखे तो 3 I1 तो सही है, और यहाँ पर माइनस का ये बन जाएगा I2 और ये -, प्लस बन जाएगा I1 और 6 को भेज देते हैं उधर, तो ये वैल्यू बनेगी 3 × 4 ऐसे लिख देते हैं 4 I1 और माइनस का ये I2 लिख देते हैं बराबर 6 लिख देते हैं। तो पहली समीकरण तो बन के तैयार हो गई पहले लूप से। दूसरे लूप में अगर हम चलें तो दूसरे लूप में हम चलेंगे तो यहाँ से चलना शुरू, यहाँ चाहे जहाँ चलना शुरू करें, मान लेते हैं यहाँ चलना शुरू कर दिया, प्लस वाला साइन पहले मिला हमें तो यहाँ लिख देते हैं लूप नंबर 2 में पहला चिन्ह प्लस का मिला, कितना है 5 ओम है, धारा कितनी जा रही है I2 जा रही है। ठीक, अगर हम 9 वोल्ट के पास चलें तो ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, तो माइनस का 9 वोल्ट होगा, 9 लिख लेते हैं, और फिर जब इसमें आएंगे ऊपर से नीचे की तरफ तो ये बन जाएगा प्लस का 1 और यहाँ लिखेंगे हम I2 - I1, ये वैल्यू बन जाएगी I2 - I1 बराबर 0, क्योंकि वहीं के ऊपर फिर पहुँच गए, तो ये हो जाएगा 5 I2, 1 I2 मिलके बनेंगे 6 I2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा I1 माइनस का और बराबर में इसे हम 9 लिख सकते हैं, दूसरी समीकरण बन जाएगी। इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है और आंसर निकाल लेने हैं कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम कैंसिल करवाना चाहें तो अगर हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ऐड कर देते हैं, देखो I2 कैंसिल हो जाएंगे तो ये बनेगा 24 I1 और यहाँ पर बन जाएगा -I1 बराबर 6 × 6 = 36 + 9 = 15, कितना बनेगा ये 36 में 9 जोड़ेंगे 9 × 5 यहाँ 36 प्लस का 9। ठीक है, तो ये हो गया जाकर के, ये वैल्यू पहले लिख लेते हैं, ये बनेगा 23 I1 बराबर 9 × 6 = 15, तो इसे हम लिख सकते हैं 45, तो I1 की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 45/23, ये वैल्यू बन गई हमारे पास एम्पियर में। इसी तरह से अगर I1 निकल आया तो I2 निकाल लेते हैं। I2 के लिए क्या कि यहाँ किया क्या गया है, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराया गया 6 से और ऐड कर दिया गया सेकंड में, ये किया गया है। अब की बार क्या करते हैं, पहली समीकरण में जोड़ देते हैं किसे, दूसरी समीकरण को, लेकिन दूसरी समीकरण को अब की बार गुणा करा दिया जाता है 4 से, क्यों, क्योंकि हम अब की बार I1 को कैंसिल करवा देना चाहते हैं। तो अगर हम
पहली समीकरण लिखी है 4i1, तो i1 वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा माइनस का i2 पहली वाली समीकरण में, और यहाँ से इसको गुणा किससे कराया गया, 4 से, तो 6 चौक 24 बन जाएगा, तो यहाँ बनेगा 24 i2 और बराबर क्या हो जाएगा, तो ऊपर से आएगा 6 और यहाँ पर क्या होगा 9, 9 चौक 36, तो ये बनेगा 36। तो हम यहाँ से लिखेंगे 23 i2 बराबर 36, 6 कितना होता है, तो ये होता है 42। तो i2 की वैल्यू कितनी निकल के आई, तो ये आई 42/23, ये वैल्यू हमें मिल गई एम्पियर में। i1 i2 के मान मिल गए, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए i2 माइनस i1 या i1 माइनस i2। आंसर में हम लोगों ने अभी देखा था वो धारा थी q से p की तरफ, तो अगर हमें यहां धारा लिखनी हो q से p की तरफ तो इनको उल्टा करके लिख देते हैं, तो 1 ओम में धारा, तो इसके हिसाब से तो क्या आ रही है, i2 माइनस i1 आ रही है। i2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 42/23 माइनस 45/23, तो ये आ जाएगा माइनस का हमारे पास कितना, 42/45 माइनस 3/23 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आने वाली है माइनस का 0.13 एम्पियर। ये हो गई 1 ओम में धारा, 1 ओम में धारा, लेकिन ये माइनस चिन्ह हमें बता रहा है कि धारा जो प्रवाह होगा वो पी से क्यू की तरफ नहीं, धारा क्यों से पी की तरफ प्रवाहित होगी। तो इस क्वेश्चन को केवीएल लगा के इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जब हमें केसीएल लगाना हो तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी, जब न्यूमेरिकल वाला पोर्शन डिस्कस किया जाएगा इस यूनिट का तब फिर से हम इनके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है।